हेलो एवरीवन, दिस इज मलक इशफाक एंड यू आर वाचिंग कश्मीरी डीएन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुका है। जेके हाई कोर्ट ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसके लिए मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। गुड अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, डेफिनेटली आपको इस बार अप्लाई करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर करता हूं, कौन कौन से पोस्ट्स आउट हुई है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सारा कुछ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, चैनल पे नए हैं, आप चाहते हो इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक भी करना। आप वीडियो को देखते हो, लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट देखते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो ट्रांसलेटर, इसके लिए 7 पोस्ट आउट हुए हैं, जो कैटेगरी वाइज आउट हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हो OM के 4, RBA के 1, SC के 1, ST के 1। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने BA किया है उर्दू में, या अगर आपने LLB किया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ में टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, लेबरी असिस्टेंट, इसके लिए 2 पोस्ट आउट हुई है, ये भी कैटेगरी वाइज आउट हुई है। आप यहाँ से देख सकते हो OM के 1, RBA के 1। क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन इन लेबरी साइंस, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आप लाइब्रेरी लेवल 4 देख सकते हो, इसके लिए भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए लेबरी साइंस में, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं। उसके बाद लेबरी लेवल 6, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद सिटिनोटाइपिस्ट, इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं एंड आप अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ में आपको 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं। इसके लिए 11 पोस्ट आउट हुए हैं, जो कैटेगरी वाइज आउट हुए हैं, आप यहां से देख सकते हो OM के 7, RBA के 1, SC के 1, ST के 1, EWS के 1। और भी पोस्ट आउट हुए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें, इस बार जेके हाईकोर्ट ने 47 वैकेंसीज निकाली है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, 15 मई से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट 31 मई 2024 रहने वाला है। काफी कम टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम एज लिमिट की बात करें, अगर आपकी एज मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 साल तक है, अगर आप OM हो, एंड अगर आप SC ST RBA PSP OSC EWS कैंडिडेट हो, तो आपको और 3 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि 43 ईयर्स। 42 PWD कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, एक्स सर्विस मैन के लिए 48 ईयर्स। तो ये था एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन फी की बात करें, इसके लिए आपको 400 रुपीज पेमेंट करनी होगी। बाकी आप ये नोटिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ये आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, अप्लाई लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।